हेलो फ्रेंड, टीवी शो अनुपमा में अब तक आपने देखा कि वनराज ने अनुज कपाड़िया के मन में अनुपमा के लिए जहर भर दिया। अब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। स्टार प्लस के नंबर वन शो अनुपमा अपने नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हमेशा टीआरपी लिस्ट में टॉप पे रहता है। 2020 में शुरू हुए इस शो ने कई बड़े टीवी शोज को पीछे छोड़ दिया और नंबर वन की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। लेटेस्ट ट्रैक की बात करें तो अनुज और अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। वनराज ने मुंबई जाकर अनुज को अनुपमा की हंसी वाली वीडियो और तस्वीर दिखाकर उसके मन में जहर भर दिया, तो वहीं अनुपमा को अपनी डांस एकेडमी से हाथ धोना पड़ा। वहीं फ्रेंड, आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा डांस एकेडमी छोड़कर चली जाती है। हालांकि पाखी, केंजल और तोशु को छोड़कर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। समर माँ को भूल डिम्पी के लिए पाखी से लड़ जाता है। इतने में ही डिम्पी को एक मैसेज आता है और वह कहती है कि जल्द ही उसका डाइवोर्स भी फाइनल होने वाला है, जिससे समर और डिम्पल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अनुपमा के हाथों से डांस एकेडमी जरूर चली गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। अनुपमा अब अपनी नई डांस एकेडमी शुरू करेगी। उसने एक पोस्टर भी बनवा लिया है जिसमें अपनी फोटो लगवाई है। उसने अपनी नई शुरुआत खुशियों और अनुज की यादों से की है। अनुपमा ने कहा कि भले ही अनुज उसके साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादों में हमेशा उसके रहेंगे। जब वह अपने घर की ओर रवाना होती है तो इतने में वनराज आ जाता है। वनराज ने की अनुपमा को भड़काने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, वनराज अनुपमा के लिए वही साड़ी लाता है जो अनुज उसके लिए ले रहा था। जब वनराज अनुपमा को वही साड़ी देता है तो उसे अनुज का एहसास होने लगता है। हालांकि वह वनराज से वह साड़ी नहीं लेती। जब अनुपमा वहां से जाने लगती है तो वनराज उससे कहता है कि वह मुंबई गया था और अनुज से मिला था। अनुपमा पूछती है कि अनुज कैसे हैं, तो जवाब में वनराज कहता है कि वह बहुत खुश है और माया के साथ शॉपिंग कर रहा था। वनराज कहता है कि उसने मूव ऑन कर लिया है, उसके बारे में और नहीं पूछोगी। वहीं फ्रेंड्स, अनुपमा ने वनराज के प्लान पर फेरा पानी। अनुपमा वनराज के बहकावे में नहीं आती है और भगवान से शुक्रिया अदा करती है कि उसका अनुज ठीक है। वह जरूर छोटी अनु के लिए शॉपिंग करने के लिए गया होगा। वह वनराज पर नाराज भी होती है और कहती है कि उसे इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। वनराज उसे कहता है कि उसे पता है कि उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा है और वह उसे मन हल्का कर सकती है। हालांकि अनुपमा उसे झाड़ देती है और कहती है कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है जो वह अपना दुख उसके साथ शेयर करे। उसके लिए उसके माँ है और उसके भाई अभी हैं। अनुपमा ये भी समझ जाती है कि उसकी लाई साड़ी अनुज ने पसंद की है। जब वह वनराज से ये पूछती है तो उसकी चुप्पी उसे जवाब दे देती है। वहीं फ्रेंड, शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि माया बरखा ने मिलाया हाथ। माया और बरखा ने अनुज का घर तोड़ने के लिए हाथ मिला लिया है। दोनों ने एक प्लानिंग भी की है। अंकुश ये बात सुन लेता है और वह बरखा को ऐसा ना करने के लिए कहता है। हालांकि वह नहीं मानती है और उल्टा उसे ही भड़काने लगती है। वहीं फ्रेंड, लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपने घर में ही डांस एकेडमी की शुरुआत करेगी और अनुज गुस्से में तोड़फोड़ करेगा। तभी उसकी फ्रेंड देविका उससे कहेगी कि जिसके लिए वह मुंबई आया वह यहाँ नहीं है और जिससे वह छोड़कर आया वह उसके लिए तड़प रहा है। अब देखते हैं कि दोनों के बीच चीज़ें सुधरती हैं या और बिगड़ती हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।